अलहाज गुलाम सरवर मरहूम के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुस्लिम हाई स्कूल हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर और नेशनल पीस मिशन के इश्तराक से किया गया। नेशनल पीस मिशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद तबरेज अहमद ने पूरे प्रोग्राम की तफसील बताई। सर, आज के इस प्रोग्राम की पूरी तफसील बता दीजिए, क्या क्या है आज? देखिए, आज 10 जनवरी अलहाज गुलाम सरवर साहब मरहूम की यौम पैदाइश का दिन है। गुलाम सरवर साहब ने उर्दू में अपना नुमाया किरदार अदा किया है, जिसने हर साल और हम नहीं बल्कि के हर अदारा, हर मुस्लिम लोगों को ये पैदाइश का दिन उनके मनाना चाहिए। आज देखिए कि उर्दू, आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी शायद जो आया हुआ है तो आप उसमें गौर करिएगा, तो उसमें उर्दू को ख़त्म कर दिया गया है, अरबी को ख़त्म कर दिया गया है। तो हम लोग आज, इसका वजह क्या है कि आखिर हमारा उर्दू ख़त्म हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अरबी ख़त्म हो रहा है, तो इसकी मेन वजूहत जो है कि हम जो मरदमशुमारी कराते हैं तो हम आज, हमारे घर में मरदमशुमारी होता है तो हम हिंदी मदर, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान जो हमारा उर्दू है उसको हम कहीं पर भी नहीं दर्शा रहे हैं। इस तकरीब का एक मकसद नई नस्ल को उर्दू ज़बान व अदब की तरफ रागिब करना भी था। शहर के मुतादिद दानिश्वरों ने इस दौरान गुलाम सरवर की उर्दू की खिदमात के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। इलेक्शन का जो एजेंडा, जो इशू था, मुद्दा था, वो बनाया था और वो बनाया था उर्दू को, के अब कहा था मुस्लिम आबादी को और अखिलेती आबादी को, वही उन उस पार्टी को आप वोट दे जो उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने को तैयार। आप सोच लीजिए, एक या दो तो तीन, उसके अलावा कौन नजर नहीं आए। हम अपने घर में इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए या फारसी या अरबी कोई भी चीज, लेकिन अपने घर में तो अरबी और उर्दू की तालीम दे सकते हैं, हम नहीं कर सकते। कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन दूसरे को उर्दू पढ़ाना चाहते। ये जो दोगला जो बोल सकते हैं, दोगला रवैया हमारा जो है वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक हम अपने आप को उर्दू की तहफ्फुज़ के लिए खड़े नहीं। हालांकि तकरीब में आवाम ने बहुत कम तादाद में शिरकत की, इस सिलसिले से सवाल का जवाब देते हुए मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सदर इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। गुलाम सरवर साहब को आमतौर से लोग जो है पॉलिटिशियन की हैसियत से जानते हैं, जो मौजूदा नस्ल है वो उनको इसी तरह से जानती है, लेकिन हकीकतन वो जो है उनकी इब्तदा जो है उर्दू की तहरीक से शुरू हुई थी और उन्होंने जो है ये काम जो है उस वक्त से शुरू किया था जब वो जो है स्टूडेंट रहे थे और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है डिग्री ली थी एमए में। वो उस वक्त जो है गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे उर्दू में और उस वक्त से उन्होंने जो है तहरीक शुरू की उर्दू को जो है आगे बढ़ाने की, वो आखिर वक्त तक उनका ये सिलसिला जारी रहा जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुर्सियां खाली हैं, इसको किस तरह से देखिए। मैं इसको, एक बहुत पुरानी कहानी है जो कि आपने भी बारह सुना होगा, वो ये कि जो है एक जंगल में आग लग गई, बहुत भयानक आग लगी, एक चिड़िया जो है जा रही थी तो दूसरे जानवरों ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो, उसने कहा कि मेरे चोंच में एक जो है बूंद है, मैं उसको आग को जो बुझाने जा रही हूँ ताकि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। हम लोग जो है यकीनन जो है आज जो है हमारे यहाँ जो है बहुत कम लोग जो है इसमें शामिल हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जारी रखें ताकि हमारा नाम उर्दू के खिदमतगारों और खादिमों में लिखा जाए। इस मौके पर मोहम्मद शमशाद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले तो मैं सबको इस्तकबाल करना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के कैंपस में गुलाम सरवर के यौम पैदाइश में। देखिए, आजकल ऐसा हो गया कि उर्दू जुबान में हम लोग इतने पीछे चले गए हैं, हम लोग सब जान रहे हैं कि उर्दू जुबान हमारा राष्ट्र दूसरा जुबान एक नंबर पर तो नहीं आता है, ये गुलाम सरवर के मेहरबानी से, उनकी मेहनत से ये जुबान दूसरे नंबर पर आया है। लेकिन आज फिर उनका जो तहरीक उन्होंने जो चला के गया 1969 से, तो उनके बाद धीरे 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 उर्दू की खाइश यहाँ लोगों के प्रति घटने लगे और जिन लोगों के पास
अगर उर्दू की ख्वाहिश है भी, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उर्दू उनके माइंड में सेट है, उर्दू पढ़ के हम क्या करेंगे, उर्दू से मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं कटेगी, उर्दू से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जिसके वजह से वो उर्दू से दूर भागे जा रहे हैं। और उसी के निस्बत आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम मिनोरिटी कॉलेज के कैंपस में जो उर्दू तहरीक चलाओ का अभियान जारी है, उसमें अधिकतर कुर्सियाँ खाली पड़ी है। शायर मोहम्मद फैजी इमाम ने कहा कि दानिश्वरों को नौजवानों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए ताकि उनमें एतमाद बहाल हो। तो यहाँ पर ज़रूरत ये हो जाती है कि जब हम जैसे लोग या हम जैसे नौजवान उस्ताद शायर के पास जाते हैं, आम तौर पर उनकी जो शफकत हम लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। दूसरी बात यह है कि ऐसी तंजीम बनाई जा सकती है जिसमें दो तरह के लोग हों, उस तंजीम का जो एक ग्रुप हो वो सीनियर लोगों का हो और दूसरा जो ग्रुप हो वो जूनियर लोगों का हो। देखिए, सीनियर्स में हम ये देखते हैं कि वो उनमें इल्म की कोई कमी नहीं है, मगर जो आग है वो यूथ में है, और जब वो यूथ सीनियर के पास जाता है तो उसको उस तरह से शफकत भी नहीं मिल पाती और ना ही उस यूथ में उतना कॉन्फिडेंस हो पाता है ज़ुबान को लेकर। तेरे चले जाने से बहुत नुकसान नहीं हुआ जाना, सुकून बे मौत मर गई और कुछ नहीं हुआ जाना, किसे ढूंढते चले आए हो इस शाम के पहर में, वो जो था एक शख्स वो तो कब का मर गया जाना। न्यूज द पैशन के लिए मुस्लिम हाई स्कूल भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी चार्जर एंड टूल्स, एमजे इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।